स्टूडेंट्स, मैं भारती सर। आज मैं आपको कक्षा 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से गद्य खंड पाठ 2 डायरी का एक पन्ना शीर्षक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके रचयिता सीताराम सेकसरिया जी हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे, तत्पश्चात पाठ का सारांश। लेखक सीताराम सेकसरिया का जन्म 1892 ईस्वी में राजस्थान के नवलगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा तथा बाद में ये व्यवसाय से जुड़ गए। इनका अधिकांश जीवन कोलकाता में ही बीता। ये अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक भी रहे। ये देश के स्वतंत्रता के प्रति गंभीर भी थे तथा महात्मा गांधी के आह्वान अर्थात बुलावे पर इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। इस आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। आज़ादी की कामना करने वाले लेखक सीताराम सेकसरिया असंख्य लोगों में से एक थे। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ये प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते, अक्सर उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते। उनकी उल्लेख कृतियों में स्मृतिकन, मन की बात, बीता युग, नई याद आदि प्रमुख है। पद्मश्री 1962 से सम्मानित लेखक सीताराम सेकसरिया का निधन 1882 ईस्वी में हो गया। प्रस्तुत शीर्षक के माध्यम से लेखक सीताराम सेकसरिया जी ने 26 जनवरी 1930 के दिन का जिक्र किया है। यह दिन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भी रहा है, जब हमारा भारत परतंत्र अर्थात गुलाम था। लोगों के मन में आशा की एक नई किरण दिख रही थी। ऐसा लगा कि सही में उन लोगों को आज़ादी मिल गई है। परतंत्र भारत में पहली बार 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस दिन लोगों ने अपने अपने घरों को ऐसे सजाया जैसे सच ही में उन्हें आज़ादी मिल गई हो। लोगों ने अपने अपने मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया एवं आज़ादी की जश्न मनाए। 26 जनवरी 1930 के इस दिन को लेखक ने अमर दिन कहकर संबोधित भी किया है। गुलामी के दौरान हमारे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मानने से इनकार कर दिया था तथा पुलिस एवं अंग्रेजी हुकूमत को नज़रअंदाज करते हुए लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसे लेखक द्वारा खुले चैलेंज की संज्ञा भी दी गई है, जो कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से अंग्रेजी हुकूमत को एक चुनौती भी थी। इस दिन लोगों द्वारा जुलूस निकालने पर पुलिस ने उन लोगों पर लाठी चार्ज की, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानी घायल भी हुए। कईयों को लॉकअप में भी बंद कर दिया गया। इस घटना में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। उन्हें भी लाल बाजार के लॉकअप में रखा गया था। इस जुलूस में लगभग 105 स्त्रियों को भी पकड़कर लॉकअप में भेजा गया था। जनसभा की उत्सुकता को देखकर लेखक ने 26 जनवरी 1930 के दिन का जिक्र इस पाठ में किया है तथा कहा है, लोगों को अपने काम के प्रति समर्पण था, जोश थी, उमंग था। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।